బూస్టర్ డోస్ తో ప్రయోజనాలున్నాయని అనుమానాలొత్తని మంత్రి హరీష్రావు అన్నారు. రాష్ట్రంలో బూస్టర్ డోస్ ను మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అందరూ బూస్టర్ డోస్ వేసుకోవాలని సూచించారు. అమెరికా, బ్రిటన్ వంటి దేశాల్లో కూడా బూస్టర్ డోస్ వేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. హెల్త్ కేర్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లు 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు డోస్ వేసుకోవాలని అన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులంతా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. టీకా పంపిణీలో తెలంగాణ ముందంజలో ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో వ్యాక్సినేషన్ వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు యత్నిస్తున్నామని అన్నారు. एक शेक है, वो शेक रखने का जरूरत नहीं है. अपने एमएलए साहब खुद लिए ना, हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं. इसमें कोई आपके मन में शेक रखने का जरूरत नहीं है. वैक्सीन आपको बचाएंगे, वैक्सीन कोरोना आने से आपको बचाने के लिए वैक्सीन डाल रहे, लेकिन और किसी के लिए नहीं डाल रहे. सो आप सब लोग जितने भी आपके घरों में है, आपके महलों में है, आपके एरिया में है, जो 70 साल से 60 साल से ऊपर है, सब लोगों को वैक्सीन डालने के लिए आप लोग उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आके वैक्सीन डालने लगाइए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. आज वैक्सीन में तेलंगाना सरकार ने फर्स्ट डोज में 102% डाल चुके हैं, सेकंड डोज में 78% वैक्सीनेशन हो गए. और बच्चों का परसों 3 तारीख ही शुरू करे, 3 तारीख जो 15 साल उम्र से 17 साल उम्र लोगों को, बच्चों को डाल रहे, उसमें 38% वैक्सीनेशन सिर्फ 6 दिन में हमारे डिपार्टमेंट अचीव कर चुके हैं. यहाँ भी हमारे स्टूडेंट से मैं समझता हूँ आप सब लोग ले चुके हैं. लिए आप लोग? जो लोग लिए जरा हाथ उठा दीजिए. बच्चों ऑलमोस्ट थैंक यू. और कोई एक दो बच्चे से दिख रहा मेरे को हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी आज ले लेना काइंडली. सो उसमें भी अच्छी तरीके से कर रहे. तेलंगाना इज वन ऑफ द स्टेट, देश में जो बड़े राज्यों में 100% वैक्सीनेशन पहले कंप्लीट करे, तेलंगाना स्टेट कंप्लीट करे, 102% करे. वो हमारा एमएलएस का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के मदद से हम ये अचीव कर चुके हैं. आगे भी अभी ये बूस्टर डोज में बच्चों को वैक्सीनेशन देने में हम मिलके काम करना चाहिए. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल.